तो ये था 12 राशियों का उनकी राशि अनुसार वार्षिक राशिफल और साथ ही साथ वो उपाय जो प्रत्येक राशि के जातकों को अपने साल की शुभता को बढ़ाने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए करने चाहिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे और आचार्य जी से हम जानेंगे कि इस पूरे साल के लिए क्या है महा उपाय, जहां आचार्य जी आपको बताएंगे कुछ ऐसे सरल उपाय जिनको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फिर चाहे वो किसी भी राशि का जातक हो या फिर किसी भी किस्म के व्यवसाय में हो, वो इन महा उपाय में बताए गए तमाम उपायों को अपना सकते हैं। आचार्य जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल, अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान से उपाय हैं और इन उपायों को कोई भी व्यक्ति, किसी भी राशि का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी पेशे से, किसी भी काम से जुड़ा हुआ व्यक्ति कर सकता है, जिससे आपका अपना जॉब, अपना करियर जो है वो और अच्छा हो सके, आप उसका बहुत ज्यादा लाभ ले सकें। सबसे पहला उपाय जो है वो आपके घर की और आपकी अपनी व्यक्तिगत समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। घर में समृद्धि लाने हेतु घर के उत्तर पश्चिम के कोण में यानी वायव्य कोण, नॉर्थ और वेस्ट का जो कॉर्नर होता है, इसमें सुंदर से मिट्टी के बर्तन में कुछ सोने और चांदी के सिक्के या कुछ चमकीले पेपर के गोल्डन टुकड़े अगर आप डाल दें, गोल्डन और सिल्वर जो कवर पेपर होते हैं, पैकिंग पेपर होते हैं, अगर आप इनके टुकड़े डाल करके रखते हैं तो ये उसमें शुभता में वृद्धि करते हैं। ये सोने और चांदी के आभूषण की तरह लगते हैं या सोने और चांदी के धन की तरह लगते हैं और ये आपके धन में वृद्धि करते हैं। फिर बर्तन को गेहूं या चावल से भर दीजिए, ऐसा करने से घर में धन और अन्न दोनों का अभाव कभी नहीं रह जाता। यदि किसी व्यक्ति को कारोबार में हानि बहुत ज्यादा हो रही है तो उस हानि को रोकने के लिए भी उपाय बताता हूं। यदि कारोबार में हानि बहुत ज्यादा हो रही है अथवा ग्राहकों का आना कम हो गया है आपके व्यापार में, तो समझें कि किसी ने आपके कारोबार को, व्यापार को बांध दिया है या नजर लग गई है। इस बाधा से मुक्ति के लिए दुकान या कारखाने के पूजन स्थल में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को अमृत या अमृत सिद्धि योग में या सिद्ध योग में एक श्री धनदा यंत्र स्थापित करना चाहिए, वो आप किसी आचार्य से स्थापित करवा सकते हैं। फिर नियमित रूप से केवल धूप दीप दिखा करके आप उनका दर्शन और पूजन करते रहें, कारोबार में लाभ मिलने लगेगा, जो भी नुकसान की स्थिति थी उससे आप बच जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ऋण मुक्ति के बहुत सरल से उपाय, यानी 2014 में आपके ऊपर कोई कर्ज ना रह जाए, पिछले साल का जो भी आपके ऊपर कर्ज था, डेप्थ था, जो भी आपने उधार लिया हुआ था वो कैसे चुका सकते हैं उसके सरल उपाय समझ लीजिए। मंगलवार को शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर मसूर की दाल आपको अर्पित करनी है और ये जो दाल अर्पित करनी है, अर्पित करते समय कौन सा मंत्र बोलना है ये भी जान लीजिए। ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः, मंत्र एक बार पुनः सुन लें, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए, मंत्र बोलते हुए आपको ये दाल चढ़ानी है शिवलिंग के ऊपर। अब दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूं, आपकी नौकरी में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम जो है 2014 में दूर हो जाए, या आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी बहुत सरल सा उपाय समझिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक ध्वजा का दान करना है, ध्वजा यानी झंडे का दान करना है, और दान के बाद 1.25 किलो यानी 1.25 kg लाल चने और 1.25 पाव यानी 310 ग्राम गुड़ का भोग आप हनुमान जी को अर्पित करें, और ये भोग अर्पित करने के बाद वहां जो भी भिखारी हैं, जो बच्चे हैं, उनके बीच में आप ये सारा भोग बांट दीजिए, थोड़ा सा आप अपने परिवार के लिए भी लेते आइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इससे, और ये प्रसाद आपको अपने परिवार के साथ ग्रहण करना है। और उसके साथ साथ 8 पाठ हनुमान चालीसा, 8 पाठ बजरंग बाण का यदि करते हैं, 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो काले तिल अगर आप किसी पूजा के स्थान में जहां पर खासतौर पर यज्ञ होता हो वहां आप छोड़ करके आते हैं और ये उपाय 8 मंगलवार करते हैं, तो आपके कार्य से जुड़ी हुई हर प्रकार की बाधा, चाहे वो नौकरी की बाधा हो, प्रमोशन की बाधा हो, ट्रांसफर की प्रॉब्लम हो, या आपका बिजनेस में बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, हर प्रकार की बाधा को आप दूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज के हमारी इस विशेष पेशकश में हमने आचार्य जी से जाना कि किस तरह हम पूरे साल पर्यंत अपना इन छोटे छोटे उपायों के जरिए अपना साल जो है बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा वार्षिक राशिफल भी हमने जाना और अंत में जो आपको कुछ उपाय बताए गए हैं महा उपाय में, उनको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें किसी भी राशि का या फिर कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी इस उपाय को अपना सकता है। आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतने फायदेमंद उपाय आपने बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, हार्दिक शुभकामनाएं। और फिलहाल मुझे दें इजाजत, खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।